Good morning, students. Today I am going to start our next chapter, that is chapter 4, soil. So what is the soil? The uppermost layer of the earth crust is known as soil. जो अर्थ क्रस्ट पे आपको पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है ना स्टूडेंट्स, उसको हम सॉयल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सॉयल है आपकी, ये ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनी होती है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, पैरेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोजिशन। अगर आप सॉइल की देखो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ की कंपोजिशन इसमें मिलेगी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स एंड अ लेयर ऑफ रिमेन्स ऑफ द डेड एंड डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट मैटर। ओके, सो ये जो सॉइल हमने अभी पढ़ा कि अर्थ क्रस्ट की जो ऊपर वाली सतह होती है उसको हम सॉइल बोलते हैं। ओके, सो जो लेयर में, जो सॉइल में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं, मोस्टली डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। दैट इज अ ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाती हूँ। जो प्लांट्स में स्टूडेंट, जैसे लीफ फॉल होता है, फॉलियज ऑफ लीव्स, तो क्या होता है, ट्रीज के नीचे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्ते झड़के गिरे होते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स हैं, इतने इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो भी हैं, अगर मेनली उनको दफनाया जाता है, ठीक है, जब वो मर जाते हैं, मेनली एनिमल्स को, जो प्लांट्स का लीव्स होते हैं, उनकी स्टेम्स होती हैं, तो क्या होता है, जब वो एक तरह से डेड हो गए हैं, ठीक है, तो जब वो अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी जब उस सॉयल में मिक्सअप होती है, तो वो उस सॉयल को ह्यूमस बना देती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, इसमें फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट और एनिमल्स मर गए होते हैं, उनका जो ऑर्गेनिक, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे जस्ट एक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि सॉयल एक ऐसा नाम है जो सिंपल सॉयल तो हमें पढ़ने में लग रहा है, बट इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। हमने देखा कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अर्थ क्रस्ट की, दैट इज अ सॉइल, ठीक है। ह्यूमस किसको बोलते हैं, जब प्लांट्स का डेड एंड डिकेइंग, प्लांट एंड एनिमल्स का डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जब प्रेजेंट होता है उस सॉइल में, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ओके, सो सॉइल हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। आपको अर्थ में हर जगह सॉइल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलेगी, सेम टाइप की आपको सॉइल नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे चले जाओ, कहीं ब्लैक सॉइल होती है, कहीं रेड सॉइल होती है, कहीं सैंडी सॉइल होती है। डेजर्ट एरिया में जाओ तो आपको सैंड ज्यादा दिखती है, ठीक है, कहीं पे क्ले सॉइल ज्यादा होती है। तो डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट पार्ट में सॉइल के टाइप्स आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सम ऑफ द एरिया स्पेशलाइज इन ग्रोइंग ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप, ठीक है। यही रीजंस है कि अर्थ के हर जगह में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको क्रॉप्स मिलती हैं, ठीक है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज होम ऑफ टू द मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये जो हमारी पृथ्वी है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे मिलियन बिलियंस ऑफ द एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है, रहने की जगह देती है, ठीक है। जैसे आपके माइक्रोब्स हुए, आपके प्लांट्स हुए, आपके एनिमल्स हुए, ठीक है, एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ओके, सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द लाइफ ऑफ द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस यूज द सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, शेल्टर तो प्रोवाइड कर रहा है, बट हमें ग्रो करने में भी बहुत हेल्प कर रहा है। कैसे, क्योंकि क्रॉप कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, सॉइल में तो प्रोड्यूस की जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल का आप, हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, नेक्स्ट हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये स्टूडेंट सॉइल बनती क्या है। तो मैं एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगी कि सॉइल क्या है, बहुत समय से, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से बन के आ रही है। एक बार जब सॉइल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो बनती ही रहती है, वो स्टॉप नहीं होती है। सो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो देयर वाज ऑलमोस्ट नो सॉइल ऑन द अर्थ।
Once the process of the soil formation started, it did not stop at all. In the beginning, there were only rocks present on the surface of the earth. बहुत समय क्या पहले था? Starting मिट्टी नहीं होती थी. क्या होता था? Rocks होती थी, बड़ी बड़ी rocks, चट्टाने जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी rocks होती थी. ठीक है, that rocks. तो ये जो rocks थे students, इनका क्या हुआ? अर्थ सरफेस पे ये रॉक्स प्रेजेंस होती थी, तो ये रॉक्स धीरे धीरे टूटना शुरू हो गई. धीरे धीरे टूटना कैसे शुरू हुई? स्टार्टिंग में अर्थ में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी. ठीक है, तो जब गर्मी की वजह से इनमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए इन रॉक्स में. जैसे टेम्परेचर हाई हुआ, क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो गए. देन जैसे ही बारिश होती थी या बहुत जोरों की हवा चलती थी, ठीक है, या फिर जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती थी, ठीक है, तो फ्रॉस्टेड जो सिचुएशंस जो थी वो क्रिएट हो जाती थी. देन क्या होता था? व्हाट विल बी हैपन? सो ये जो आपके क्रैक्स दिख रहे थे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर वाटर फिल हो जाता था. जब ये वाटर बहुत ज्यादा ठंड होती थी तो ये फ्रॉस्ट हो जाता था, जिस वजह से इनके जो क्रैक्स हैं ये एक्सपैंड होना शुरू हो गए. एक्सपेंशन की वजह से ये जो रॉक्स थी ये छोटे छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो गए. ठीक है, इस तरह से सॉइल की फॉर्मेशन होने लगी. तो हम बोल सकते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन नॉर्मली कहाँ से हुई? रॉक से हुई. जब वो रॉक्स जो थी वो टूटना शुरू हो गई तो आपकी सॉइल बनना शुरू हो गई. Okay, now next is the weathering. It's a very important term. What is a weathering? So weathering क्या है students? Weathering एक process है. किसकी process? Soil की बनने की process. कैसे बनेगी? Rocks के टूटने से. So weathering is the process of breaking down of the rocks into smaller pieces by a natural agents. ठीक है? By a natural agents such as आपकी wind, वॉटर, फ्रोस्ट, ओके, एंड रूट्स ऑफ द प्लांट एक्सेट्रा. ठीक है, तो हमें ये टर्म याद रखना है. सॉइल की फॉर्मेशन को हम वेदरिंग बोलते हैं. ठीक है, कैसे? ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स. रॉक्स की टूटेंगी तो क्या होगा? आपकी सॉइल फॉर्म होगी. वो बाय नेचुरल, इसको बनाता कौन है? एजेंट्स तो कोई चाहिए होगा ना, तो इसके लिए नेचुरल एजेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. दैट इज अ विंड, वॉटर, फ्रॉस्ट, रूट ऑफ द प्लांट एक्सेट्रा. ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज अ वेदरिंग के टाइप्स. सो स्टूडेंट्स, वेदरिंग के जो है वो टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज अ फिजिकल वेदरिंग एंड सेकंड इज द केमिकल वेदरिंग. वेदरिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे. ये होती क्या है? ठीक है, सो जो तुम्हारी फिजिकल वेदरिंग है इसमें भी ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स होगा. ये भी एक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है. एक प्रोसेस से जा रही है, जो कैसी प्रोसेस है? दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस है. इसमें भी ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स का होगा, और वो जो रॉक्स की ब्रेकडाउन होगा वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होगा. ओके, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बनेंगे बाय अ फिजिकल एजेंट्स. बस इसमें यही याद रखना, दोनों में ही आपकी रॉक्स की ब्रेकडाउन हो रही है और सॉइल बन रही है, बट एजेंट्स इसमें डिफरेंट है. इसमें आपका फिजिकल एजेंट्स आएंगे एंड इसमें आपकी क्या आएंगे? दैट इज द केमिकल एजेंट्स आएंगे. सो जो आपके फिजिकल एजेंट्स हैं सच एज टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, वाटर एंड विंड. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द प्रोसेस इज अ मैकेनिकल इन नेचर एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक्स. इसमें जो तुम्हारी सॉइल बनेगी ना स्टूडेंट्स, तो जो रॉक का मैटर होगा, जो रॉक जिस चीज से बनी होगी सॉइल में भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होगी वो सेम रहेगी. ठीक है, उसकी जो कंपोजिशन होगी, सॉरी, वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी. मतलब रॉक्स अगर आपकी मैग्नीशियम से बनी है तो सॉइल में भी आपकी मैग्नीशियम पाया जाएगा. ठीक है, मतलब सेम रहता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स रॉक्स के और सॉइल के सेम रहते हैं. केमिकल वेदरिंग क्या है? ये भी एक प्रोसेस है. ठीक है, जिसमें क्या होगा? रॉक्स की ब्रेकडाउन होगी स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, बट इसमें केमिकल एजेंट्स जो होंगे वो हेल्प करेंगे.
इसमें आपके फिजिकल एजेंट्स का हेल्प करके मैंने बताया कौन कौन से फिजिकल एजेंट्स होते हैं। केमिकल एजेंट्स में आपके केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिस वजह से रॉक्स जो होगी वो टूटेगी। ओके, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स ऑल्सो चेंजेस, बट इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे कि जो रॉक्स की कंपोजिशन है ना स्टूडेंट्स, जिसमें हमारी रॉक्स है, जो हमारी रॉक्स है जब इससे सॉइल बनेगी तो इनकी कॉम्पोजिशन में फर्क होगा, सेम नहीं होगी और इसमें कंपोजिशन जो होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी वेटिंग की प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, कि अभी अब तक तो हमने पढ़ा सॉइल क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, और हमने ये चीज देखी कि वेदरिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, सॉइल की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, दैट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड फिजिकल एजेंट्स। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड फिजिकल एजेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, जो आपका क्लाइमेट होता है ना, वेदर और क्लाइमेट में हमें डिफरेंस पता है, क्लाइमेट क्या होता है, कि लॉन्ग टर्म जैसे वेदर कंडीशन चल रही है किसी एरिया में बहुत समय तक जो ठंड रहती है उसको क्लाइमेट बोलते हैं, वेदर जो होता है वो डे बाय डे या आफ्टर 2-4 डेज के बाद भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है, इज अ मेजर फैक्टर है दैट कंट्रोल्स द फिजिकल एंड द केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक। ठीक है, आपकी केमिकल और फिजिकल वेदरिंग को कंट्रोल करता है क्लाइमेटिक फैक्टर। ओके, इट डिटरमाइंस द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस फिजिकल एजेंट्स लाइक वाटर, रेन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, इसीलिए तो क्लाइमेट जो होता है वो डिपेंड करता है ना। एंड द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द एरिया, जिस तरह का क्लाइमेट होगा उस तरह की वेजिटेशन वहां पे आपको मिलेगी, उस तरह के एनिमल्स आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, ओके, ये जो एजेंट्स होते हैं फिर ये क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। एक बात ध्यान, हम बात क्या ध्यान में रखेंगे कि जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस जहां पे ज्यादा होती है वहां पे आपकी सॉइल फॉर्मेशन बहुत इजीली और जल्दी बनती है, जहां पे कोल्ड टेम्परेचर होता है वहां पे सॉइल की फॉर्मेशन जल्दी नहीं हो पाती है। ठीक है, हमने सॉइल फॉर्मेशन में वो हमने देखा था किस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट रॉक, सिंपल साइंस में कुछ नहीं है। इसमें क्या बोलता है कि जो आपकी पेरेंट रॉक्स होगी, जो कंपोजिशन पेरेंट रॉक्स की होगी, जिस चीज से पेरेंट रॉक्स बनेगी आपकी सॉइल में भी वो चीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट रॉक्स कैन बी सीन इन द सॉइल बीइंग फॉर्मड बाय द वेदर, इट कंट्रोल्स बोथ द टाइप ऑफ द सॉइल एंड रेट ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। फॉर इंस्टांस, मैग्नीशियम रिच रॉक वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम रिच सॉइल। ठीक है, मतलब अगर आपकी रॉक्स में मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो आपकी सॉइल में भी वो चीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ द लैंड। स्लोप ऑफ द लैंड का मतलब क्या बोल रहा है कि जो सॉइल फॉर्मेशन होती है वो ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द लैंड। मतलब स्लोप क्या, लैंड दैट इज द स्लोप, ढलान। हिली एरिया में आपको वेरी थिन सॉइल मिलेगी, लेयर लेयर, सॉइल की लेयर बहुत पतली मिलती है। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है तो सॉइल बह जा रही है, हाई विंड्स चल रही है तो सॉइल बह जा रही है। ठीक है, तो आपको थिन लेयर ऑफ सॉइल की मिलती है हिली एरिया में, बट अगर आप प्लेन की बात करें तो वहां पे आपको थिक लेयर ऑफ सॉइल की मिलेगी। सो दैट इज द स्लोप ऑफ द लैंड, ये भी सॉइल की फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, कि सॉइल कैसे बनती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पेरेंट रॉक्स जो होती है वो सॉइल जो होती है उनकी कंपोजिशन सेम होती है, स्लोप कैसे डिटरमाइन करती है सॉइल की फॉर्मेशंस को हमने देखा, हिली एरियाज में थिन मिलती है। क्यों? क्योंकि स्लोप होने की वजह से मिट्टी जो है वो बह जाती है। ब्लोइंग ऑफ द एयर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, एंड अगर प्लेन्स के एरिया की बात करें तो वहाँ पे सॉइल जो होती है आपको थिक लेयर की मिलती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू and have a nice day.